हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन टेरेस गार्डन में। फ्रेंड्स, बारिशों के समय में आपने कई सारे पौधे अपने गार्डन में लगाए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने ऐसे पौधे लगाए हैं जिन फूलों की खुशबू काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती हैं? यानी कि इन फूलों की खुशबू इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं कि ये आपके घर गार्डन के साथ साथ में आपके पड़ोसियों के घर गार्डन को भी काफ़ी ज़्यादा महका देते हैं, खुशबू से भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फूलों वाले पौधे बताने वाला हूँ जिनको लगाने के बाद में आपके घर गार्डन खुशबू से भर जाएगा, इवन आपका पड़ोसियों का घर गार्डन भी खुशबू से भर जाएगा। और इन पौधों को लगाने के बाद में फ्रेंड्स, बीज, बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स आपके गार्डन में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपके घर गार्डन को बना देंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फूलों वाले पौधे। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले बटरकफ के पौधे से। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को लगाने के बाद में आपके गार्डन में इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो जाएगी, यानी कि इतनी ज़्यादा खुशबू आपके गार्डन में हो जाएगी कि आपका गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भरने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा हमिंग बर्ड्स, बटरफ्लाइज और बीज इस तरीके के जो होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा। और इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। पौधे को लगाना बड़ा आसान होता है, छोटे छोटे बीजों से आप ग्रो कर सकते हैं। इवन एक बार पौधा लगाने के बाद में कई सारे सीड्स इसके यहाँ आसपास में गिर जाकर के काफ़ी ज़्यादा पौधे बना करके आपके गार्डन में रेडी कर देंगे इस तरीके से। तो फूलों के ख़त्म होने के बाद में ढेर सारे सीड्स बनते हैं जो कि यहाँ वहाँ गिर करके काफ़ी ज़्यादा पौधे बना देते हैं और फूलों का कलर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और बारिशों के समय में काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होता रहता है। तो फ्रेंड्स, इस पौधे को आप अभी अपने घर गार्डन में लगा सकते हैं और अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों के घर गार्डन को भी फूलों की खुशबू से महका सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा मैं आपको लगाने के लिए सजेस्ट करूंगा वो फ्रेंड्स होता है हमारा अपराजिता का पौधा, जो कि बेहद ही शुभ पौधा होने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें फ्रेग्रेंस भी होती है। एकदम तेज़ फ्रेग्रेंस तो नहीं होती है, भिनी भिनी इसमें फ्रेग्रेंस होती हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर इसके फ्लावर होते हैं, कई सारे कलर पेटल्स में आते हैं। बीजों से लगाना बड़ा आसान होता है और बेल की तरह ग्रो होता रहता है, तो आप इसको कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। दो कलर इसके मेरे पास भी हैं, एक है ब्लू कलर और एक है ये वाइट कलर। तो कोई भी कलर वैरायटी के सीड्स ला करके इस समय आप लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से फैल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रेग्रेंस होती हैं जो कि भीनी भीनी खुशबू आती रहती हैं। और देख सकते हैं आप इस तरीके के जो हमिंग बर्ड्स, बीज इस तरीके के होते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस पौधे को ला करके लगाना आप अपने गार्डन में बिल्कुल भी ना भूलें इस समय, जो कि आपके गार्डन के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा खुशबू फैलाता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो काफ़ी ज़्यादा भर भर के फ्लावरिंग करने के साथ साथ में बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस भी इसमें होती है, बहुत ही हल्की इसमें फ्रेग्रेंस होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्ट अपनी ओर करता है बीज को और हमिंग बर्ड्स को। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है ये है मैक्सिकन पिटूनिया देसी वाला। इसमें कई दो तीन कलर आते हैं, एक है ये ब्लू कलर का, दूसरा है वाइट कलर का और तीसरा है इसमें लाइट पिंक कलर का। तो वो भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस पौधे को ला करके लगा सकते हैं। देसी वाले ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं और बरसात के समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग तो ये भर भर के करते हैं, जैसा कि आप सामने मेरे पौधे में देख सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने भी ला करके सिर्फ एक पौधा लगाया था और अब आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसके पौधे बन चुके हैं। सीड से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है, मदर प्लांट के जो नीचे से जड़ें होती हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ये फैलता ही रहता है। तो इस पौधे को भी ला करके आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप अगला जो पौधा अपने गार्डन में लगा सकते हैं फूलों वाले पौधे में, वो होता है हमारा ये कॉस्मोस का पौधा। बहुत ही अच्छी इसकी भी फ्रेग्रेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर फ्लावर भी होते हैं। सिंगल पेटल, डबल पेटल दो वेराइटीज़ में आते हैं, तो कोई भी वेराइटी ला करके लगा सकते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा डबल पेटल का प्लांट है जिसमें फ्लावर के ऊपर एक और फ्लावर्स आता है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। और ये होता है मेरा सिंगल पेटल वाला, तो कई सारी वैरायटीज़ में आते हैं और इसमें लेमन कलर भी आता है, एक ही डार्क ऑरेंज कलर का है। तो कोई भी कलर वैरायटी का लाकर के इस समय आप लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा और इसके ऑरेंज कलर के फ्लावर काफ़ी ज़्यादा सुंदर आपके घर गार्डन को बनाते रहेंगे। तो कॉस्मोस के प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे बीजों से काफ़ी ज़्यादा आसानी से ग्रो किया जा सकता है। एक बार प्लांट लगाने के बाद में भर भर के फ्लावरिंग करता ही रहता है और सीड से अपने आप काफ़ी ज़्यादा पौधे बन जाते हैं। तो ज़्यादा खुशबू फैलाने के लिए इस पौधे को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर से ऐड कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला जो पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिसको आप अपने घर गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, इवन घर के एंट्रेंस पर लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये पौधा लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा होता है ये मधुमालती का पौधा होता है, जिसको कई सारे नामों से जाना भी जाता है और ये बेल की तरह ग्रो होता रहता है। फिलहाल मेरे इसको बुश की तरह ग्रो किया हुआ है क्योंकि मेरे पास इसको बेल की तरह फैलाने के लिए स्पेस नहीं है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रखी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी इसमें पत्तियाँ भी हो रखी हैं। कटिंग से ही ग्रो किया था, छोटे से ऑयल के कंटेनर में ही मैंने इसको ग्रो कर रखा है। तो इस समय आप भी इसको लगा सकते हैं, बंच में फ्लावरिंग करता है
और फ्लावर का कलर भी काफ़ी कलर चेंजिंग होता है, तीन तीन कलर इसके फ्लावर चेंज करते हैं। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं अपने घर गार्डन में, छोटी छोटी कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशबू अपने घर के एंट्रेंस पर आप फैला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप रजनीगंधा के पौधे को लगा सकते हैं, ये भी बेहद ही खुशबूदार पौधा होता है, बल्ब से मल्टीप्लाई होता रहता है और एक बार बल्ब लगाने के बाद में सालों साल आपके गार्डन में बना ही रहेगा। काफ़ी ज़्यादा पौधे समय के साथ बना करके रेडी कर देगा और एक स्टिक निकलती हैं जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, जिसको ट्यूब रोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस रजनीगंधा के पौधे को भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार पौधा होता है और आपके घर गार्डन के साथ साथ में आपके पड़ोसियों तक भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस को फैला देगा। तो इस पौधे को आप अपने घर गार्डन में लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। छोटे छोटे बल्ब से आसानी से लग जाता है और समय के साथ मल्टीप्लाई होकर के काफ़ी ज़्यादा बल्ब इसके बन जाते हैं। कुछ समय पहले मैंने भी इसका बस एक ही बल्ब लगाया था और अब आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस समय आप इस पौधे को भी ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं और खुशबू को अपने घर गार्डन में फैला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला खुशबूदार पौधा मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, वो होता है हमारा गुलाब। तो ये तो बिल्कुल सदाबहार पौधा होता है फ्रेंड्स, इसको आप लगा सकते हैं कटिंग से, जो कि पूरे ही साल फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू होती है, क्योंकि गुलाब के पौधे फूलों का राजा होता है फ्रेंड्स और इसमें खुशबू काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेशली देसी वाली वैरायटी के आप रोज़ लगाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्रेग्रेंस होती है। ये मेरा ऑरेंज कलर का है, हाइब्रिड वाली वैरायटी का, इसमें भी काफ़ी भीनी भीनी खुशबू होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और घर गार्डन को महकाने के साथ साथ में पड़ोसियों तक भी चली जाती हैं। तो इस पौधे को भी आप अपने घर गार्डन में ज़रूर से ग्रो कीजिएगा, कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। ये मैंने भी इसकी कटिंग ही ग्रो की थी और काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो भी गई हैं। तो बारिशों में आप गुलाब के पौधे की कटिंग को ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा आप अपने घर गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है और खुशबू काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। तो ये जो फ्रेंड्स पौधा देख रहे हैं, ये जेट्रोफा का पौधा, जिसको रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से एक स्टिक निकलती है और बंच में फ्लावर आते हैं, रेड और पिंक कलर के इसके फ्लावर हो सकते हैं। ये मेरा रेड कलर का है, देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा इसमें कलियाँ बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावर भी ब्लूम हो रखे हैं। इस तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं और पूरा बंच बन जाता है, दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये देखिए एक बंच यहाँ पर आया हुआ है और एक ये यहाँ पर आया हुआ है। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, फुल सनलाइट में बड़ी आसानी से चल जाता है और मैंने भी इसको कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है, छोटे से बकेट में लगाया था और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बड़ा है मेरा प्लांट बन चुका है। तो जेट्रोफा के पौधे को भी आप घर गार्डन में लगा करके खुशबू को काफ़ी ज़्यादा फैला सकते हैं और अपने घर गार्डन में खुशबू को और भी ज़्यादा सुंदर और बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप अगला जो पौधा अपने घर गार्डन में लगा सकते हैं, वो होता है हमारा स्पाइडर लिली का प्लांट। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाला प्लांट होता है, बहुत ही अच्छी इसकी भी खुशबू होती है और इस तरीके से इसकी जो पत्तियाँ होती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। एक स्टिक निकलती हैं जिसमें बहुत ही अच्छे बंच में फ्लावर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी फ्रेग्रेंस होती है, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस होती है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, बल्ब से मल्टीप्लाई होता रहता है। छोटा सा बल्ब मैं लेकर के आया था, पौधा मैं लेकर के आया था नर्सरी से और ये देखिए इसने से पॉली बैग में लगा हुआ है, कितने ज़्यादा इसके बड़े मेरा प्लांट बन चुका है। इस तरीके से मैंने एक प्लांट इसका सेपरेट भी किया हुआ है अपने फ्रेंड को देने के लिए। तो बल्ब से मल्टीप्लाई ढेर सारे होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा फूलों में फ्रेग्रेंस होती हैं। तो इस पौधे को भी ला करके आप अपने घर गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप अगला जो पौधा अपने घर गार्डन में लगा सकते हैं, वो होते हैं हिबिस्कस। हिबिस्कस में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये पौधे होते हैं और खुशबू को फैलाने के साथ साथ में आपके घर गार्डन में काफ़ी ज़्यादा है बीस बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे पास लगभग 4 से 5 कलर के हिबिस्कस के पौधे लगे हुए हैं, कई सारे कलर पैटर्न्स में हैं। तो आप कोई भी वैरायटी का ला करके लगा सकते हैं और बरसात के दिनों में छोटी छोटी कटिंग इसकी आसानी से लग जाएंगी। तो इतनी इतनी सी कटिंग भी आप लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पौधे अपने घर गार्डन में इनके बना सकते हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा खुशबू आपके घर गार्डन में फैलाता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ प्लांट जो मैंने आज के अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिनको लगाने के बाद आपका घर गार्डन खुशबू से भर जाएगा और इन पौधों की फ्रेग्रेंस आपके घर के साथ साथ आपके पड़ोसियों के घर तक भी चली जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा आपके घर गार्डन को खुशबूदार बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इन पौधों को लगा करके आप भी अपने घर गार्डन में खुशबू को फैला सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल इन विच अमन टेरेस गार्डन। धन्यवाद।